के राजकुमार उठने लगे लक्ष्य को भेदने के लिए। जिसका भी निशाना चूक जाता है निकल कर पीछे बैठ जाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई राजकुमार लक्ष्य को भेदने की कोशिश की। ए मतवेनु, जिसका भी निशाना चूक जाता वो गर्दन उठाने के लायक नहीं रहता है। कहा गया आज जब सभी राजकुमार नाकामयाब हुए तो कहा है किसी ने, ललकारा है सेनापति दंडपाल ने, ए देवदत्तों जब लक्ष्य भेद नहीं पाए तो सेनापति बोला बानी है। क्या सोच रहे हो? मैंने तो ये समझ लिया पृथ्वी वीरों से भारी है। और गिरा दे इस लक्ष्य को। मैंने तो ये समझ लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। आज देवदत्त को चुनौती देकर सेनापति दंडपार कहने लगा, क्या कर रहे हो देवदत्त? अब क्या तुम्हारे लिए अलग से बोलना पड़ेगा? अरे उठाओ धनुष बाण, तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो। लेकर के धनुष बाण क्रोधवश खड़ा हुआ देवदत्त। कहते हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, आवेश में आकर के जब बोलता है तो कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, आवेश में आकर के अगर दाए पेच नहीं लगाएगा तो वो भी चित हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने सीधा कहा कि जब हमारा मन क्रोध से ओतप्रोत हो तो हमें कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य हमेशा दुखदायी होता है। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लें अच्छे मन से लें। देवदत्त उठा है कांपते हुए होठ। इतना बड़ा योद्धा होकर के भी तरकस से तीर नहीं संभाल पा रहा है। शाद कर निशाना जिस समय उसने लक्ष्य को भेदने की कोशिश की, आज देवदत्त का भी निशाना चूक जाता है। और जब देवदत्त का निशाना चूका तो आज क्या कहता है दंडपाण? ए देवदत्त क्या करें अब हम? अरे सब राजकुमार वीर नहीं है, अब क्या करें अपनी बेटी का? और क्या बोले के बैठी सुता रही ए देवदत्त, और वृथा पेयजल लक्ष्य की ठानी। बैठी सुता रही वृथा पेयजल लक्ष्य की ठानी। अरे तुम इतना बड़ा विध्वंस कर सकते हो, एक लक्ष्य नहीं गिरा सकते? तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या बोले? सुता रही वृथा पेयजल लक्ष्य की ठानी। बैठी कई तुम एक न मानी, लक्ष्य बनाए बेटी हम जानी। तुम करने आए मनमानी, आज ऐसा ही नहीं के बात बिगाड़ गई। न तुमने अपना सम्मान रखा और न नगर देवदेह का सम्मान रखा। तुम्हारी चुनौती को नगर देवदेह कभी नहीं भूलेगा कि बात बिगाड़ दई। ए भैया बात बिगाड़ दई वृथा पेयजल लक्ष्य की ठानी।
देवदत्त को, सारी बात बिगाड़ दी तुमने, अब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हे देवदत्त, ना तो तुमने अपना सम्मान रखा और ना नगर देवते का सम्मान बचने दिया। क्या कहेंगे दुनिया के लोग कि साक्य और कोलियों के बीच में